इस वीडियो में बात होने वाली है कुवैत फ्लावर मिल कंपनी की। वीडियो की शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट कंटेंट से। आज का कंटेंट बहुत ज्यादा खास होने वाला है, आपको समझ में आने वाला है, आपको पता चलने वाला है कि क्या सिनेरियो है क्या नहीं है। देखें जो कि पिज़्ज़ा हट, हार्डिस, मैकडॉनल्ड, केएफसी, बर्गर किंग, सबवे, ऑल ओवर दी, जो कुवैत में जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना बर्गर की, फास्ट फूड की, यूएसआर की, ये बन सप्लाई करती है। इनका काम ही होता है, यहाँ तक हर छोटे छोटे बकाला में जो अपन ब्रेड लेते हैं ना, ब्रेड्स लाइक खबूस एंड ऑल, ये सब भाई साहब इनका काम है बना के और देना। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है और इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं जो मैं आज आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखना आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये डिटेल्स हमने निकाली है कि एम्प्लॉय की बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। पहली बात, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो सकता है, आप सोचो और विचार करो। पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई साहब, अगर आपको कुवैत में आना है तो उसके पैसे लगेंगे। पैसे लगेंगे यानी एजेंट पैसे खाएगा, आपके जेब से खर्चे होंगे। तो उसका खर्चा कितना आना चाहिए मिनिमम एंड मैक्सिमम, मैं तो बोलता हूँ भाई बहुत सारा रिसर्च करना, सब जगह जाना, जितना दौड़ सको उतना दौड़ना। यार बॉडी मिली है, फालतू घर पर बैठ के मतलब तो होने वाला नहीं है। तो हाथ पैर मारना, एक ही एजेंट के चक्कर में मत पड़ना, दो चार एजेंट को पकड़ना, पूछना। एक एजेंट 1,00,000 बोलेगा तो दूसरा एजेंट 1,50,000 बोलेगा। तो जहाँ पर आपको सस्ता लगे वहाँ पर जाना, तो जाके आपको पता चलेगा कि यार ये वाले मेरे लिए बेनिफिट हो। और जाने से पहले जरा और पता कर लेना, क्या ये एजेंट ट्रस्टेड है, आसपास में पूछ लेना, क्या एजेंट जो एक कंपनी है, जो एजेंट ऑफिस बना के बैठा है, सही बंदों को सही टाइम से भेजता है कि नहीं, या पैसे खा के गायब हो जाता है। ओके, सेकेंड चीज, जब आप आओगे तो यहाँ पर आपका बेसिक सैलरी, इस कंपनी के अंदर बेसिक न्यू हायरिंग एम्प्लॉय का जो सैलरी होता है वो 144 दिनार, कुवैती दिनार होता है, समझ लो 144 कुवैती दिनार होता है। आपको चाहे ओवर टाइम करो या मत करो, आपके एंड ऑफ द मंथ में आपके हाथ में 144 रुपए रख दिया जाएगा, सो दैट आप इंजॉय कर सको। और उस 144 रुपया इस अराउंड इंडिया के 30,000 के आसपास। मगर ये मत सोच के खुश होना कि यार मेरे को 144 रुपये ही मिलेगा, ओ शिट हाँ मैं बहुत खुश हूँ, नहीं, आपको उससे ज़्यादा मिलेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर इज समथिंग दैट ओवर टाइम, ये प्लस बेनिफिट है। अगर मैं ही अपना एग्जांपल ले लूँ, 120 दिनार में अगर मैं काम करता तो आप समझ सकते हो वो इंडियन का होता है 25 से 30 हज़ार और 35,000 रुपये, समझ लो। डिपेंड्स करता है कि जो करेंसी का फ्लैक्चुएशन कितना है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी बढ़ता कभी घटता होता है। तो मैं 30,000 में टिक पाता, अरे यार 30,000 में आप अपनी फैमिली छोड़ के आ रहे हो, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या उस 30,000 में आप अपने घर का खर्चा पूरा कर पाओगे? एक बार सामान आ जाएगा महीने का, वो भी ख़त्म हो जाएगा, लाइट बिल, राशन, ये वो, पता नहीं क्या क्या नहीं। मगर यहाँ पे मैंने, मेरे दिमाग में और भी क्वेश्चन लगा, यार मेरे जैसे तो बहुत आ रहे हैं। फिर बाद में मैं देखा कि यार जो आए हैं, ऑलरेडी आए हैं, वो तो मेरे से कम सैलरी में आए, बिकॉज दैट समय जो इन्फ्लेशन था इतना ज़्यादा नहीं था, एकदम कम अमाउंट ऑफ मिलता था। तो पता है क्या, मेरे जैसे जो लोग आए हैं यहाँ पर, और भाई साहब 7 साल, 8 साल, 9 साल, 6 साल, 5 साल ऐसा काम कर रहे हैं। तो मैं बोला ये चिपक क्यों जा रहे हैं यार एक ही जगह पर? तो भाई साहब रीज़न ये है कि भाई साहब लोग 1 से 1.5 लाख रुपया महीना छाप रहे हैं, इसकी वजह से 25,000 बोल के लेके तो आया जा रहा है, मगर 1 से 1.5 लाख रुपया महीना आराम से छाप रहे हैं।
समटाइम कम होता है, समटाइम ज़्यादा होता है, समटाइम ज़्यादा बिजी होने के साथ में ज़्यादा ओवर टाइम मिलता है। तो इस डिपेंड करता है कि यार क्राउड कैसा आ रहा है आपके रेस्टोरेंट पे। हाँ गाइस, ऑल अबाउट रेस्टोरेंट की बातें हो रही है, तो आपको ज़्यादा बेहतर कनेक्ट कर पाओगे आप लोग हमसे, बने रहिए। अभी और क्या क्या बेनिफिट्स है, दो हो गया, आपको ओवर टाइम मिलेगा। थर्ड भाई, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस कंपनी में जो मैं बात कर रहा हूँ, जो बंदा काम कर रहा है, जो बंदा मेरे साथ में वीडियो बनाया है, जिस बंदे के बारे में हम बता रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं आपको भाई साहब। तो यही है अपना भाई, तो भाई भाई के लिए एक लाइक जरूर बनता है यार, बहुत हार्डवर्क करते हैं। तो देख रहे हो इनके हार्डवर्क, इनकी मेहनत, समझ सकते हो। महीने का लास्ट कितना कमाया, कितना गिड़ी आ जाता है महीने में? 144। उसके बाद ओवर टाइम करके 200, 300, 250 250 तक आ जाता है, मतलब 200 तक आ जाता है। इस अराउंड 50,000 रुपीज ऑफ इंडिया के, तो अच्छा है भाई। तो इस तरह के जॉब करने पड़ती है, अभी जाके उनको वो ट्रॉली में डाल, मतलब वो उसमें डालना है। सो दिस इज वी हैपन। सब साल में एक साल पूरा हो जाएगा तो आपको दो बोनस मिलेगा। बोनस यानी अभी ये जो बोनस है भाई साहब, ऑलमोस्ट आपका जो सैलरी के हिसाब से होगा, बेसिक सैलरी के हिसाब से होगा, तो दो बोनस मिलेगा। ये थर्ड बेनिफिट है, पैसा ही पैसा होगा। अब उसके बाद में आपको खाना पीना क्या करेंगे भाई साहब, आप इतना मर मर के काम करोगे, यहाँ पर धूप नहीं देखोगे, छाँव नहीं देखोगे, मतलब बोले ना ड्यूटी टाइम है, कभी अंदर करवाएगा तो कभी बाहर करवाएगा, कभी डिलीवरी करवाएगा। तो ये बात ध्यान में रखे रहना अपने दिमाग में कि मैं एक ही जगह पे काम करने नहीं आया हूँ। उनका एरिया होगा, वो आपको उस एरिया में पूरा भेजेगा। इतनी बड़ी ट्रक में पूरे स्टोर में जाना पड़ता है और घूमना पड़ता है और डिलीवरी करना पड़ता है। देखो चाहे वो फैक्ट्री में रखे या फिर पूरा भेजे, तो मरमर के काम करने के बाद में आपको भाई साहब खाना तो खुद बनाना पड़ेगा, कंपनी खाना नहीं प्रोवाइड करेगी। ये हो गया, फोर्थ बेनिफिट। बेनिफिट ये है कि भैया आपको रहने के लिए टेंशन नहीं लेने का, रहना आपको कंपनी की ही अकोमोडेशन में है। कंपनी आपको बाकायदा, हमारा जो ये फ्लैट दिख रहा है तुमको, ये फ्लैट दिया हुआ है, उसके अंदर हम लोग सोते खाते पीते कुल्ला टट्टी सब यहीं पे होता है, कुछ टेंशन की बात नहीं है भाई। अब आगे बढ़ते हैं अगले बेनिफिट पे। आप सोच रहे होगे यार रहना भी दे दिया, खाना अपना हो गया, पगार भी दे रहा है, तो मैं काम पे जाऊंगा कैसे? काम तुमको जाने के लिए बस बुलाया जाता है, टेंशन नहीं लो, बस में बैठना है हमारी तरह, हम भी बस में बैठते हैं, बस में बैठ के पूरा दुनिया, मतलब कुवैत का हर एक गली घूमते हैं, मगर कौन सा गली क्या है हमको पता नहीं है, समझ रहे हो? ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली बस पे बैठ जाते हैं और पूरा जो जो इसका इसका स्टॉप आता है वो उतरते जाता है, भाई तेरा लोकेशन ये है, तेरा स्टोर ये, मैं उतर गया, ऐसा सीन आते समय और सेम जाते समय, तो यही होता है। चौथा काम, चौथा बार बार चौथा क्यों बोल रहा हूँ, और नेक्स्ट बेनिफिट आपको है ना, पूरा कुवैत का गली कोना घूमने मिलेगा उस खाली ट्रक में बैठकर, जैसा ये भाई साहब बैठ रहे हैं अभी, तो ये पूरा ट्रक में पूरी इन्फॉर्मेशन का, पूरे लोकेशन, पूरे कौन सी जगह आपका सप्लाई होता है, आपको सब कुछ देखने मिलेगा, हाउ पीपल आर वर्किंग, आपको नए पीपल लोग से मिलने मिलेगा। हाँ ये भी एक बेनिफिट ही है भाई साहब। अब चलो थोड़ा बोलते हैं दुख भरी कहानी बता देते हैं आपको। तो दुख यही है कि भाई सेक्रीफाइसेस हर जगह होती है लाइफ में, या कहीं पे भी चले जाओ, थोड़ा नुकसान तो थोड़ा फायदा होता ही है। यहाँ पे आप अपनी फैमिली को मिस करने वाले हो, अपनी फैमिली को बताओगे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये करवा रहे, वो करवा रहे, फिर उसके बाद में यहाँ पर धूप में फट जाती है भाई। मैंने देखा यार, बंदे पूरा लथपथ हुए रहते हैं, पूरा स्वेट से, पसीने से, मगर फिर भी बंदे काम करते हैं, बोलते क्या करें, इंडिया में तो 50,000 कोई महीना देगा नहीं, समझ रहे हो। तो मैंने पूछा, अच्छा सही सही बताना तुम सैलरी कितना उठा लेते हो, बोलता है यार 50,000 से 60,000 उठा लेता हूँ मैं। तो समझ रहे हो आप लोग, 50,000 से 60,000 थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, मगर हाँ कुवैत में एक बार आ गए तो भैया आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है सब चका चक हो जाएगी, कोई मतलब कुकुर बिलार जो नहीं पूछता था ना, वो लोग आराम से बोलेंगे मेरे को दूध पिला दे, मेरे को रोटी खिला दे। तो समझ जाओ कि रिस्पेक्ट इज्जत सब कुछ मिलेगी जब आपके पास में पैसा होगा। तो आइए पैसा कमाइए। तो आई होप सो कि आपको बहुत कुछ जानने मिला होगा इस वीडियो में, एंड इट्स लाइक वन ऑफ द माई
मतलब वो बंदा हर रोज आता है हमारे यहाँ पर, मैं एक इन्फॉर्मेशन एक दिन पूछता हूँ, दूसरा इन्फॉर्मेशन एक दिन पूछता हूँ, मेरा भाई बता और बता मुझे तेरी कंपनी के बारे में। सो इट लाइक वाओ वाला मोमेंट फॉर मी, चल यार मेरी जनता को मेरी ऑडियंस को कुछ ना कुछ तो नया सीखने मिला होगा, नया देखने मिला होगा। यस कुवैत थोड़ा सा हार्श है बिकॉज ऑफ धूप की वजह से, और टॉयलेट वीलेट जाते हैं ना तो पानी बहुत गर्म होता है यार, जल जाता है बिछवाड़ा, बाकी सब ठीक है। तो यही हार्श है। और हाँ एक और हाँ देखो, ये मेरा जो डाउनफॉल चालू हो गया है हेयर का, तो बहुत ज़्यादा आप बजाज का तेल लेके आना, बजाज आलमंड तेल इज़ गुड फॉर, और नहीं तो फिर आपको जो पसंद आए हेयर फॉल आपका जिससे रुकता है वो वाला लेके आए। और बाकी इतना ही इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा आज के वीडियो में, वीडियो ऑलमोस्ट पूरी लंबी हो चुकी है। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ा देना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और एक बार दिमाग में दिल में दिमाग में सब जगह घुसोड़ लो कोने कोने में, भाई कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ये मिस्टर आरजे कार्तिक की लाइन है, बट मैंने चपका लिया है अपने पास कि यार आई वॉन्टेड टू डू समथिंग लाइक कि यार मेरी फैमिली मेरे ऊपर प्राउड करे, मेरे घर वाले जो बोले हाँ ठीक है यार सही कर रहा है मेरा बेटा, थैंक यू। तो ये सब हो पाया है आप लोगों की वजह से। एंड हाँ, अभी तक आपने वीडियो को पसंद नहीं किया है तो फिर मेरे को कुछ ना कुछ तो करो यार, लाइक करो डिसलाइक करो, अरे कुछ तो करो। एंड कमेंट बताओ यार कैसा लगा आपको वीडियो। और हाँ एक और चीज़ हाँ, अगर आपने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और कोई भी सवाल जवाब होगा तो फिर वहाँ पे मैसेज कर देना। मैं सोच रहा हूँ इंस्टाग्राम पे जो मैसेज करेगा उनको कॉल करने के लिए, इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पे हम बात कर सकते हैं। सो यू हैव अ ऑप्शन मैसेज करना, और मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा कि मैं आपको कब कॉल कर सकता हूँ मेरे स्पेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा टाइम बहुत कम होता है यार, तो उसके अकॉर्डिंग हम 5 से 7 मिनट ज़्यादा लंबी कन्वर्जेशन नहीं होगी, 5 से 7 मिनट जरूर बात करेंगे, और जो कुछ भी पूछना होगा आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। ये है आपका स्पेशल बेनिफिट, हाँ क्या ऐसा आज तक आई डोंट नो कोई करा होगा कि नहीं, बट मैं कर रहा हूँ आपके लिए। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली, बाय बाय।